टेलीटडे वी सॉ दजम्पन्स फॉर केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कन्जम्पन हमने देखे थे क्या क्या अजम्पन्स थे तीन अजम्पन देखे थे और ये लॉ में अभी हम तीन ही अजम्पन्स देखने वाले तीन ही हैं तो उसके बाद हम उसके इम्प्लीकेशंस देखते हैं ओके सो लेट्स ट्राई कि आज वो अजम्पन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं और उसके आगे जाते हैं उस अगर आपको याद है इसके पहले हमने प्रपोजिशंस देखे थे तीन प्रपोजिशंस और उसके हिसाब से उसका टेबल उसका ग्राफ और ग्राफ के हिसाब से आप कैसे प्रपोजिशंस को एक्सप्लेन करोगे राइट तीन प्रपोजिशंस हमने देखे थे अगर आपको पूरा का पूरा याद है तो पहला वाला था कि जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे ही आपका कंजम्पशन भी बढ़ता जाता है दूसरा वाला था कि इनकम के साथ साथ कंजम्पशन मतलब इनकम ये दो चीजों से बनता है कंजम्पशन और सेविंग और तीसरा वाला था कि आपका जो इनकम है सॉरी आपका जो इनकम है वो जब बढ़ेगा तो आपका सेविंग और कंजम्पशन दोनों ही बढ़ने वाला है कोई भी नीचे नहीं आएगा कोई भी कम नहीं हो, हो जाएगा दैट्स योर साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन लेकिन ये लॉ ऑफ कंजम्पशन फॉलो करने के लिए या फिर उसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ अजम्पशन फॉलो करने पड़ते हैं कुछ अज्यूम करना पड़ता है सो हा लॉ है कंजम्पशन सा तो फॉलो करने से तीन अजमशंस फॉलो कराए लगता है फर्स्ट वॉज इट अज्यूम्स अ कांस्टेंट साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स इट मीन्स कोई भी जो चेंजेस होते हैं हमारे एवरीडे लाइफ में जो इंस्टीट्यूशंस की वजह से इंस्टीट्यूशंस आर नॉट इंस्टीट्यूट ओके इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूशंस अलग है इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि जो भी एक सिस्टम है जो भी एक सोसाइटी uh, है ग्रुप है दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशन जिससे रूल्स है जिसको प्रॉपर्टी राइट्स है इन द सेंस उसके कुछ खुद के रूल्स रेगुलेशन है ओके okay? तो इंस्टीट्यूशंस कौन से कौन से हो सकते हैं आपका कम्युनिटी आपका फैमिली आपका स्कूल uh, कॉलेज उसके साथ साथ आता है आपका सोसाइटी आपका गली मोहल्ला कूड़ा चाड़ी कूड़ा च रस्ता सो दे आर ऑल द इंस्टीट्यूशंस ओके दे आर नॉट इंस्टीट्यूट्स इंस्टीट्यूट मुझे ए संस्था बना अपन संस्था नहीं बना तो अगर आपने इसके बारे में वर्ड सोचा है तो दैट इज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन आपको uh, ये आपने बहुत बार सुना होगा शायद इस टाइम में जब हम क्वारंटाइन के बारे में बात कर रहे हैं कोविड के बारे में बात कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूशनल कॉल क्वारंटाइन करना पड़ता है मतलब संस्थात्मक विलगीकरण ओके सो दैट्स वॉट वी मीन बाई इंस्टीट्यूशन और ये जो इंस्टीट्यूशन के चेंजेस है मतलब इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने बनाए हुए कोई भी चेंजेस है अराउंड अस वो नहीं होने चाहिए दे शुड बी कॉन्स्टेंट एंड लोगों की साइकी में चेंज नहीं होना चाहिए लोगों को सोचने में सोच में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए ओके okay? उसके बाद हमने देखा था इट अज्यूम्स एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्मल कंडीशन मतलब वॉर उसके बाद रिवोल्यूशन हाइपर इन्फ्लेशन फेमिन फ्लड्स ऐसी चीज़ें जो होती है जो इकोनॉमी को और हमारे नॉर्मल लाइफ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है और उसके हिसाब से कंज्यूमर के एटीट्यूड को भी चेंज करती है तो ये सब चीज़ें वो कांस्टेंट रहनी चाहिए मतलब वो नॉर्मल रहनी चाहिए वॉर फ्लड्स फेमिनस हाइपर इन्फ्लेशन रिवोल्यूशन जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए अदरवाइज हम ये प्रूव नहीं कर पाएंगे उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लेसे फेयर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इसका मतलब है लेसे फेयर मतलब गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा हाथ ना होना इन द सेंस गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना होना आपके कामों में तो सिंपली ये रिच कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ये सोशलिस्टिक नहीं है इसका मतलब जो भी बिजनेस ओरिएंटेड या फिर जो भी मार्केट ओरिएंटेड डिसीजंस है वो इकोनॉमी में लिए जाते हैं ना कि गवर्नमेंट थ्रू या फिर गवर्नमेंट के आ, हिसाब से इकोनॉमी नहीं चलती सो दैट इज इन द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी लेस एफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आपको ये तीन अजम्पन्स होपफुली अभी पूरे के पूरे मतलब मैंने रिवाइज करवा दिए हैं हम आगे देखते हैं इम्प्लीकेशंस क्या है ओके इम्प्लीकेशंस ऑफ केन्स लॉ और इंपॉर्टेंस ऑफ कंजम्पन फंक्शन तो आप ये दोनों हिसाब से देख सकते हो और दोनों हिसाब से क्वेश्चन भी आ सकते हैं इम्प्लीशन ऑफ लॉ भी आ सकता है या फिर वॉट इज द इमेंसन फंक्शन भी आ सकता है so so याद है से कौन सा लॉ बोला था ये हमने क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में जब पढ़ा था तो पढ़ा था कुंडल आठ मिटेल यू तो अः uh, से क्या बताया था लॉ सप्लाई क्रिएट्स इन डिमांड आपको बहुत ज्यादा अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे अदरवाइज ये एग्जाम में आपको लिखने के लिए बहुत कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ का वहा यहाँ का वहा क्योंकि दो टाइप के इकोनॉमिक्स हम देख रहे हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स और केन्शियन इकोनॉमिक्स हमारा क्लासिकल खत्म हो चुका है केंशियन के पास हम देख रहे हैं अभी के लिए और क्योंकि हम कैंशियन uh, मतलब देख रहे हैं और केनिशियन आगे वाला है मतलब टाइम पीरियड में टेंशन का टाइम आगे आता है उसके पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स का आता है तो बहुत बार क्लासिकल का रेफरेंस आता है ये इकोनॉमिक्स में तो आपको समझना चाहिए ओके अगर आपको इसके बारे में जानना है थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है प्लीज़ आपके पीछे वाले वीडियोस देखो ये चैनल पे मैंने आपको दिए गए हैं तो आपके पास प्ले पे है इसकी ओके सो इट इनवेलीडेट सेज लॉ जनरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता मार्केट में ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता मतलब ज्यादा चीजें मार्केट में अवेलेबल है खरीदने के लिए कम लोग हैं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जैसे ही आपका सप्लाई बढ़ेगा तो वो सप्लाई क्रिएट करने वाले या फिर प्रोड्यूस करने वाले लोग भी बढ़ेंगे इसके हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो मतलब लोग अनएम्प्लॉयमेंट में मतलब उनको सफर करना नहीं पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट जॉबलेसनेस ओके लॉ इनवेलिडेट्स सेज लॉ बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पन ऑल्सो इंक्रीजेस बट इन अ स्मॉलर अमाउंट तो क्या है अभी के लिए सेज बोल रहा था कि जितना इनकम उतना कंजम्पशन ओके okay? लेकिन केन्स ने बोला नहीं ऐसे नहीं होगा इनकम जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से कंजम्पशन बढ़ेगा लेकिन देर विल बी गैप इन इनकम एंड कंजम्पशन ओके पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं करने वाले हम और जो गैप होगी वो हमारा सेविंग्स रहेगा राइट right? हमने ये देखा था उसके बाद आता है इन अदर वर्ड्स ऑल द ऑल दैट इज प्रोड्यूस दैट इज इनकम इज नॉट टेकन ऑफ द मार्केट जो भी आपका इनकम है वो पूरा का पूरा स्पेंड नहीं होता प्रोडक्शन एंड ग्लट ऑफ कमोडिटीज इन द मार्केट एजल्ट प्रोड्यूसर्स स्टॉप प्रोडक्शन एंड देर इज अ मास अनुप्लॉयमेंट तो जैसे ही सप्लाय मतलब ज्यादा होता जाता जैसे सप्लाई बढ़ता है आपके इकोनॉमी में तो आपकी डिमांड मतलब कम रहती है और सप्लाई ज़्यादा है तो डेफिनेटली प्राइजेस गिरेंगे आप डिप्रेशन में जा जाओगे डिप्रेशन में या फिर रिसेशन में ओके रादर इट एक्सीड्स डिमांड एंड लीड्स टू जनरल ओवर प्रोडक्शन मतलब जैसे ही सप्लाई बढ़ता है सप्लाई से सप्लाई uh, uh, ज़्यादा होता है आपके डिमांड से और इसकी वजह से मार्केट में ओवर प्रोडक्शन होता है और uh, इसकी वजह से कमोडिटीज ज्यादा रहते हैं मार्केट में लेकिन उनको लेने वाला कोई नहीं रहता ओके एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर स्टॉप प्रोड्यूसिंग एंड देन देर इज मास इन एम्प्लॉयमेंट तो uh, जो मतलब जो बिजनेसमैन रहते हैं तो क्या करता है बिजनेस मध्य पूर्ण थाम था बिजनेस थोडक्यात ते प्रोडक्शन बंद करतात आणि प्रोडक्शन बंद केलं तर तिथे जे लेबर लागत होते ऑब्व्हियसली ते लेबर आता लागणार नाहीत ते कमी लेबर लागतील आणि त्यामुळे जे लेबर पूर्वी कामावर होते लेबरर त्यांना कामावरून काढलं जाईल म्हणजेच तिथे अनएम्प्लॉयमेंट होईल सो दॅट इज दॅट्स हाऊ केन्स इनवॅलिडेट सेज लॉ सेम की सप्लाय डझंट क्रिएट इट्स ओन डिमांड वेर एज डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाय उलटा लॉ डिमांड तिचा सप्लाय ठरवते की किती सप्लाय असला पाहिजे मार्केटमध्ये जेवढी डिमांड तितका सप्लाय ओके नीड फॉर स्टेट स्टेट म्हणजे कडून होणारी कडून होणारा काय म्हणू आपण त्याला गव्हर्नमेंट कडून होणारी मध्यस्थी गव्हर्नमेंट कडून होणारे रूल्स जे मार्केटमध्ये असतात दॅट इज कॉल्ड स्टेट इंटरव्हेन्शन गवर्नमेंट जो मार्केट में आकर कुछ रूल्स बनाती है और, और उसके हिसाब से मार्केट को थोड़ा रेगुलेट करती है गवर्नमेंट डजेंट रूल द मार्केट गवर्नमेंट डजेंट रूल द इकोनॉमी लेकिन वो थोड़े थोड़े कानून बनाती है जिसके हिसाब से मार्केट में एक फेयर डीलिंग चले ओके okay? वो बहुत ही जरूरी है ऐसे केन्स बोलता है एज अ कोरोलरी टू अबाउ द साइकोलॉजिकल लॉ हाईलाइट द नीड ऑफ स्टेट इंटरवेंशन तो जैसे ही हमें हमने आगे देखा पे, आ, मतलब हमने पहले देखा था वैसे ही हम आगे देखने वाले हैं कि कैसे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन स्टेट का इंटरवेंशन नेसेसरी है सेज लॉ इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ लेस ए फेयर पॉलिसी एंड इट्स रिफ्यूटेशन इम्प्लाइज दैट द इकोनॉमिक सिस्टम इज नॉट सेल्फ एडजस्टिंग तो जब आप सेल्फ सेज लॉ को रिफ्यूट करते हो आप सेज लॉ को इनवैलिडेट करते हो तो आप बोल रहे हो कि इकोनॉमी सेल्फ एडजस्टिंग नहीं है उसको कुछ चाहिए हेल्प आउटसाइड हेल्प चाहिए ओके okay? तो इकोनॉमिक सिस्टम नॉट सेल्फ एडजस्टिंग, सो व्हेन कंजम्पशन डज नॉट इंक्रीज बाय द फुल इंक्रीमेंट ऑफ इनकम एंड कंसिक्वेंटली देर इज जनरल ओवर प्रोडक्शन एंड मास एम्प्लॉयमेंट सो जैसे ही सप्लाई बढ़ता है उस सप्लाई के बाद या फिर कंजम्शन uh, उसके सप्लाई uh, के हिसाब से बढ़ता नहीं है और इसकी वजह से क्या होगा आपका uh, जो चेंज इन इनकम है उसकी वजह से मार्केट में ओवर प्रोडक्शन बनेगा मार्केट में मास अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा द नेसेसिटी ऑफ स्टेट इंटरवेंशन अराइजेस इन द इकोनॉमी टू एवोट टू एवर्ट जनरल ओवर प्रोडक्शन एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू पब्लिक पॉलिसी सो पब्लिक पॉलिसी मंजे गवर्नमेंट की पॉलिसी ओके okay. सो so, जब आप गवर्नमेंट की पॉलिसी गवर्नमेंट के रूल यूज करते हो उसके इस्तेमाल से आप मार्केट को थोड़ा सा स्टेबलाइज करने का सोचते हो आप मार्केट में वो जनरल ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट रोकने की कोशिश करते हो ओके क्रूशल इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट केन्स साइकोलॉजिकल लॉस स्ट्रेसेस द वाइटल वाइटल पॉइंट दैट पीपल फेल टू स्पेंड ऑन कंजम्पशन द फुल इंक्रीमेंट ऑफ इनकम जितना इनकम बढ़ेगा उतना कंजम्पशन बढ़ने वाला नहीं है कंजम्पशन बढ़ेगा लेकिन इनकम से थोड़ा कम बढ़ने वाला है दिस टेंडेंसी क्रिएट्स अ गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन विच कैन बी ओनली फिल्ड बाई इंक्रीज इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन तो आइदर वे आपको सेविंग्स मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा ओके okay? या जो आपको गैप बढ़ रही हो या फिर आपको कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा इफ आइदर ऑफ देम फेल्स टू राइज आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट विल इन एविटेबली फॉर तो अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ता या फिर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता तो इसका मतलब है जो आपका एम्प्लॉयमेंट है जो आपका आउटपुट प्रोडक्शन है इन द मार्केट वो कम हो जाएगा वो गिर जाएगा ओके सो इन्वेस्टमेंट को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है जो कंजम्पशन में कंजम्पशन फंक्शन में दिया गया है और ये केन्स लॉ का इम्प्लीकेशन भी है ओके सिंस द कंजम्पशन फंक्शन इज स्टेबल इन इन अ शॉर्ट रन कंजम्पन फंक्शन हमने कल ही देखा था कि इसे स्टेबल बोला गया है क्योंकि uh, कुछ चेंजेस मतलब डायनामिक कंजम्पन फंक्शन नहीं है बहुत ही सिमिलर सिंपल सा स्टेबलाइज्ड फंक्शन है शॉर्ट रन में मतलब छोटे टाइम पीरियड के लिए द गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्प्शन कैन ओनली बी फील्ड बाई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट सो हम कंजम्पशन नहीं बढ़ा सकते हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा दस द साइकोलॉजिकल लॉ एम्फोसाइजेज द क्रूशल रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन केन्स थियोरी तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल मिलता है इट इज द इनएडिक्वेसी ऑफ इन्वेस्टमेंट विच रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉजिकली द रेमेडी टू ओवरकम अनएम्प्लॉयमेंट इन इंक्रीज इन इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे ही ये क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं रहता और इन्वेस्टमेंट की वजह से ज़्यादा लोगों को मतलब अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो नए बिजनेसेस शुरू होंगे नए बिजनेसेस शुरू होंगे तो नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा लेकिन क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी है और हमारे पास बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो इसका रेमेडी मतलब इसका उपाय क्या होगा कि हमें इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन इन करना पड़ेगा मतलब हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा है पर तीन इम्प्लिकेशन्स पहले ओके okay? पहिलं होतं केन्स केन्सने सेज लॉला इनवॅलिडेट केलंय सेज लॉला बरोबर नाही असं सांगितलंय दुसरं होतं की गव्हर्मेंटच्या इंटरव्हेन्शनची स्टेट इंटरव्हेन्शनची गरज आहे असं सांगितलंय ओके आणि तिसरं होतं की इन्व्हेस्टमेंटला खूप जास्त महत्व केन्स लॉमध्ये दिलंय किंवा त्याने सांगितलेल्या कन्झम्शन फंक्शनमध्ये दिलंय तुमच्या येत्या लक्षात हे तीन आ, मी तुम्हाला काय म्हणू इम्प्लिकेशन सांगितली मला अगदी माहिती आहे की हे अतिशय बोरिंग वाटण्याची शक्यता असते कारण हे इतकंच थिअरॉटिकल आणि त्याला कुठल्याही प्रकारे एक ही जोपर्यंत थिअरी समजून घेत नाही तोपर्यंत मी तुम्हाला त्याचा प्रॅक्टिकल आ... काय म्हणू केस स्टडी सांगू शकत नाही मी तुम्हाला त्याचं प्रॅक्टिकल ओरिएंटेशन सांगू शकत नाही आणि म्हणून तुम्हाला जास्त बोरिंग जरी वाटली ही थिअरी तरी आपल्याला ती शिकून घ्यावी लागते तर आपण पुढे जाऊन त्याचं प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन शिकू शकतो आय एम रिअली सॉरी अबाउट दॅट की मी तुम्हाला असं वाटू शकतो की मी तुम्हाला म्हणजे बोअर करते नुसतं थिअरॉटिकल थ्युरॉटिकल वॅ 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 चालू आहे आपलं बट लेट्स कि मैं जर एखी हाची हिंदी अतिशय सोपी कारण मराठी खूब जास्त वीडियो नसत मराठी नहीं मटल हिंदी कि अतिशय सोपया इंग्लिश मदली अगर मुझे कोई भी वीडियो मिलता है इसके हिसाब से जो आपको अच्छे से और समझा पाएगा आई शेयर इट विथ यू ट्यूरिंग दसाइनमेंट्स ओके बिलीव मी आई विल ट्राई टू शेयर इट विथ यू आपको अगर ये तीन जो हमने देखे उसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो अभी भी पूछ सकते हो ओके okay. अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आगे जाने वाली हूँ डू यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस ओके लेट्स गो सो एग्जिस्टेंस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो सेज लॉ क्या बोलता था कि या, या फिर क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी इकोनॉमिस्ट भी थे वो क्या बोलते थे जो इक्विलिब्रियम है मार्केट का मतलब जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वल टू होंगे ओके okay, डिमांड जितना होगा उतना ही सप्लाई होगा वो पॉइंट तभी होगा जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे लेकिन केन्स बोलता है कि ऐसे नहीं है ऐसे नहीं होगा बहुत बार फुल एम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है मार्केट में अंडर एम्प्लॉयमेंट रहता है मतलब जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा यूज नहीं की जाती वो अंडर एम्प्लॉयड रहते हैं और क्योंकि वो अंडर एम्प्लॉयड है फिर भी मार्केट में इक्विलिब्रियम रहता है मतलब अंडर एम्प्लॉयड फैक्टर्स रहने के बाद भी आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल टू हो जाएगा आपको इक्विलिब्रियम का पॉइंट मिल जाएगा सो दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम द केन्स नोशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजन द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड विच डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट बट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट बिकॉज consumers do not spend the full increment of their income on consumption and there remains the deficiency in aggregate demand to तो हमने ये पहले ही देखा अगर आपको याद है या फिर मैंने अभी के लिए आपको बताया कि जैसे ही आपका इनकम बढ़ रहा है आपका कंजम्पशन उसके हिसाब से नहीं बढ़ता है तो एक्चुअली uh, क्या होता है कि आपका जो इनकम लेवल है वो uh, आपके डिमांड आपका सप्लाई ये सब मार्केट फैक्टर्स मिलकर इक्विलिब्रियम को बनाते हैं, ओके okay? लेकिन नॉट नेसेसरीली एवरी टाइम फुल एम्प्लॉयमेंट पे ही आपको वो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिले केन्स बताते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी मिल जाएगा क्योंकि कंज्यूमर उसका फुल इनकम जो भी चेंज हुआ है जो भी इंक्रीज हुआ है इनकम में वो कंजम्पशन पे स्पेंड नहीं करते और इसकी इसीलिए देर रिमेन्स डेफिशियंसी इन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट डिमांड में डेफिशिय मतलब कमी रह जाती है द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम लेवल कैन हाउ एवर बी रीच्ड इफ द स्टेट इंक्रीजेस इन्वेस्टमेंट टू मैच द गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पन सो प्लीज रीड दिस पॉइंट मैं आपको शायद इसके ऊपर क्वेश्चन पूछू ओके रीड दिस पॉइंट आई एम गिविंग यू वन मिनट डीड यू रीट इट बाय युअर सेल्फ की तुम्ही फक्त बसून राहिलात सांगा मला तुम्हाला यातलं काय कळतंय तुम्हाला हव्या त्या भाषेत सांगा आय यू गेटिंग समथिंग आउट ऑफ दिस पॉइंट बघा बरं का इतर क्लासेस मधले मुलं मला सांगतात अशा वे की काय चाललंय यू हॅव टू बी ऑन युअर वे येस फुल एम्प्लॉयमेंट असते तेव्हाच इक्विलिब्रियम नसते तर अंडर एम्प्लॉयमेंटच्या वेळेला इक्विलिब्रियम व्हेरी गुड व्हेरी गुड आणि असं का होत याचं कारण सांगता येईल का इनक्रीज इन इनकम अँड कन्झम्पन बट लो लेवल कन्झम्पन करेक्ट म्हणजे असं म्हणायचं आहे की वेन इन्कम इनक्रीजेस कन्झम्पन ऑल्सो इनक्रीजेस बट नॉट प्रपोर्शन इटली येत आहे अगदी बरोबर उत्तर सांगितलं व्हेरी व्हेरी गुड ओके okay? सी या प्रकारे तुम्हाला उत्तर सांगता यायला पाहिजे व्हेरी व्हेरी गुड ओके okay? मला तुझं नाव सांगशील येस okay? प्राची व्हेरी गुड व्हेरी गुड ओके लेट्स सी दिफ्थ पॉइंट डिक्लाइनिंग टेंडन्सी ऑफ मार्जिनल एफिशियन्सी ऑफ कॅपिटल सो तुम्हाला मार्जिनल एफिशियन्सी ऑफ कैपिटल बद्दल थोडीशी माहिती आहे ओके okay? आपण त्याच्याबद्दल इन डेप्थ पुढच्या काही लेसन्स मध्ये बघणार आहोत पण त्याच्या आधी आपण याबद्दल काय केन्सने म्हटलंय डिक्लाइनिंग टेंडन्सी ऑफ मार्जिनल एफिशियन्सी ऑफ कॅपिटल ते बघूया ओके द सायकोलॉजिकल लॉ ऑफ लॉ ऑल्सो पॉइंट टुवर्ड्स द टेंडन्सी ऑफ डिक्लाइनिंग मार्जिनल एफिशियन्सी ऑफ कॅपिटल इन लेस एफ इकॉनॉमी मतलब आपका जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एम रहता है वो लेफ इकोनॉमी में मतलब जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है ऐसे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिक्लाइनिंग दिखता है कम होता दिखता है इनकम द कंजम्पन डज नॉट इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट मतलब जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन सेम हिसाब से नहीं बढ़ेगा देर इज अ फॉल इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड जैसे इनकम बढ़ता जाता है आपके कंज्यूमर गुड के डिमांड में कम कमी होती जाती है मतलब कम होता जाता है ओके okay? तो अब अगर आप देखोगे मैंने कल ही बोला था दो टाइप के गुड़ के बारे में कंज्यूमर गुड्स कैपिटल गुड्स अगर आपको देखना है लास्ट कल का वीडियो देख लीजिए एक बार ओके द रिजल्ट इन ग्लट ऑफ कमोडिटीज इन द मार्केट सो जब जैसे ही आपका कंज्यूमर गुड का uh, मतलब जो डिमांड रहता है वो कम होता जाता है द डिमांड फॉर कैपिटल मतलब uh, मार्केट में ना ज्यादा कमोडिटीज आने लगते हैं ओवर प्रोडक्शन होता है ग्लट ऑफ कमोडिटीज साठा हो मार्केट मध्य कमोडिटीज का ओके द प्रोड्यूसर्स विल रिड्यूस प्रोडक्शन विच विल इंटर्न ब्रिंग अ डिक्लाइनिंग इन द डिमांड तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे उनका प्रोडक्शन कम करेंगे लेकिन क्या होगा जैसे ही प्रोडक्शन कम होगा लोगों के जॉब्स चली जाएंगे क्योंकि अगर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है तो प्रोड्यूसर्स अपने प्रोड्यूस को निकाल देंगे काम से तो उनको सैलरी नहीं मिलेगी या फिर उनकी सैलरी कम हो जाएगी तो भी सैलरी कम मिलेगी मतलब परचेसिंग पावर डिक्लाइन होगा लोगों के पास जो है पैसे कम होंगे लोगों के पॉकेट्स में और उसके हिसाब से आपका डिमांड भी मार्केट से कम होता जाएगा क्योंकि लोगों के पास अब पैसे ही नहीं है तो क्या डिमांड करेंगे लोग और इस और सिर्फ ये ही नहीं क्योंकि आ, मतलब प्र, प्रोड्यूसर्स को और कुछ बनाना ही नहीं है इसके हिसाब से कैपिटल गुड्स की डिमांड भी कम हो जाती है कैपिटल गुड्स मतलब जो गुड्स कुछ नई चीजें मैन्युफैक्चर करने के लिए लगता है वैसे मशीन प्लांट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो वो गुड्स भी नहीं लगने वाले इसका मतलब कैपिटल गुड्स का भी डिमांड कम हो जाएगा ओके एंड हिंस इन द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट एंड द बिजनेस एक्सपेक्टेशन तो जब कैपिटल गुड्स का डिमांड भी कम हो जाएगा आप प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जुटाने की या फिर प्रॉफिट क्रिएट करने का कुछ मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं रख रहे हो आप ऐसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा मतलब क्या आपका एम ई सी मार्जिनल एफिशियंसी ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा और आपके बिजनेस एक्सपेक्टेशन भी लोअर हो जाएंगे कम हो जाएंगे इट इम्प्लाइज अ डिक्लाइन इन अ मार्जिनल एफिशियंसी ऑफ कैपिटल समझ में आ रहा है Of of the to rises. जब तक लोगों की टेंडेंसी टू कंज्यूम मतलब जब तक लोगो लोगों को ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करने का मौका नहीं मिलता उनकी टेंडेंसी उनकी डिजायर नहीं बढ़ती तब तक एम ई सी नीचे ही गिरता चला जाएगा हमने एमईसी ई सी देखा हमने एमईसी भी थोड़ा देखा है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में भी देखा है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में भी देखा है राइट बट सच हैिटी कैन एग्जिस्ट ओनली इन द लॉन्ग रन व्हेन द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन डज नॉट होल्ड गुड लेकिन ये सब कैसे और कब होगा जब लॉन्ग रन में बड़े टाइम पीरियड में जब आपका साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन होल्ड नहीं करेगा इकोनॉमी पे या फिर कंज्यूमर पे वो चलेगा नहीं तो आपको दूसरे कुछ बारे में सोचना पड़ेगा क्या हम कर सकते हैं टू इंक्रीज द एमई या फिर टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ओके लेट्स डेंजर ऑफ परमानेंट ओवर सेविंग और अंडर इन्वेस्टमेंट गैप तो आप जब ज्यादा सेव करते हो तो कम इन्वेस्ट करते हो या फिर ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो कम सेव करते हो यहाँ पर सेविंग्स का मतलब रहता है डोमेस्टिक सेविंग्स जो आप जला अपन मुंटो घरगुती सेविंग ओके और अंडर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बिजनेस में इन्वेस्ट करना इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट एज इन आप शेयर्स में डालो डिबेंचर्स में डालो ये ऐसा नहीं है दो ये दो अलग चीज है और हम जब इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ही इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं तब हमें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंट है फाइनेंस में जब हम बोलते हैं कि मैंने इन्वेस्ट किया और इकोनॉमिक्स में हम जब बोलते हैं कि हमने इन्वेस्ट किया तो ये दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है ये सब हम देखने वाले हैं डोंट वरी अबाउट इट लेकिन अभी के लिए हमें क्या देखना है ओवर सेविंग मतलब हमने सब घरों में पैसे रख लिए हैं हम उसका कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहे किसी भी काम के लिए हम कंज्यूम नहीं कर रहे हम जस्ट उसे सेव कर रहे हैं घरों में पूर्वी ने कहा तेजा तुम विचार लग पूर्वी पर नहीं आजून ही आज कि खूब सारे फीमेल मेरे लेडीज की घर चेटेंडेंसी uh, हस्ते कि खाऊ चढ़ब्यात बैत चढ़ब्यात जो भी आपके पास ग्रोसरी के डब्बे होते हैं टिफिन रहते हैं छोटे छोटे तो उसमें डालकर रखते हैं वो पैसे uh, कभी खर्चे के लिए काम आ जाएंगे सो दीज दैट इज वी दैट इज वॉट वी आर कॉल्ड सेविंग हियर और इन्वेस्टमेंट का मतलब है हम किसी भी तरीके से बिजनेस के लिए उसका इस्तेमाल करें तो दैट इज वी वी आर कॉलिंग इन्वेस्टमेंट हियर ओके तो ऑब्वियसली अगर घर का सेविंग ज्यादा हो जाएगा तो आप बिजनेस में कम इन्वेस्ट करोगे और कम इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या क्या हो रहा है वो तो हमने देखा एम्प्लॉयमेंट फेल हो जाएगा सप्लाई कम हो जाएगा डिमांड कम हो जाएगा राइट right? तो दैट इज वॉट वी कैन सफर ड्यू टू अंडर इन्वेस्टमेंट या फिर ओवर सेविंग ओके केन साइकोलॉजिकल लॉ पॉइंट आउट दैट देर इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ एन ओवर सेविंग और अंडर इन्वेस्टमेंट गैप अपेयरिंग इन द कैपिटलिस्टिक इकोनमी बिकॉज एज पीपल बिकम रिच द गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पन वाइडेंस तो जैसे ही लोग मतलब पैसे वाले हो जाते हैं उनके बीच वाली जो कंजम्पन और इनकम की गैप है वो बढ़ती जाती है क्योंकि हमने देखा जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा लेकिन अगर इतना इनकम है तो शायद हमारा कंजम्पशन बढ़ा भी हो ओके okay? फिर कंजम्पशन uh, के हिसाब से इनकम हो जाएगा

लॉन्ग रन टेंडेंसी है जिसमें सेविंग बढ़ता जाएगा और उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट घटता जाएगा इसे बोलते हैं सेक्युलर uh, क्या बोलते हैं इसे एक बार मुझे बताओ सेक्युलर स्टैग्नेशन करेक्ट सेक्युलर स्टैग्नेशन सेक्युलर स्टैग्नेशन करेक्ट सेक्युलर स्टैग्नेशन स्टेगनेशन ओके तो तो सेक्युलर स्टैग्नेशन का मतलब होता है जब ही आप लॉन्ग रन में बड़े टाइम पीरियड में लोगों की टेंडेंसी क्या होती है कि वो सेविंग्स बढ़ाते हैं लेकिन उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में घट मतलब इन्वेस्टमेंट घटता है इन्वेस्टमेंट लोअर हो जाता है सो दैट इज कॉल्ड सेक्युलर स्टैग्नेशन व्हेन पीपल आर रिच एंड देयर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लो दे सेव मोर जब लोग बहुत ही पैसे वाले हैं लेकिन उनका कंज़म्पशन का टेंडेंसी उनका कंज़म्पशन का प्रोपेंसिटी ये कम है वो क्या करते हैं ज़्यादा ज़्यादा सेव करने लगते हैं और जब वो सेव करेंगे कुछ तब क्या होगा उनका सेविंग्स बढ़ेगा ओवर सेविंग हो जाएगा लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बिजनेसेस नहीं एक्सपांड हो जाएंगे ग्रो नहीं होंगे राइट इट इम्प्लाइज द लो डिमांड विच लीड्स टू डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट तो हमें क्या पता चलता है इसकी वजह से डिमांड कम हो जाएगा और डिमांड कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो जाएगा दस द टेंडेंसी इज फॉर सेक्युलर स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमी और इसकी वजह से आपके इकोनॉमी में सेक्युलर स्टैग्नेशन हो जाएगा ओके okay? समझ में आ रहा है अगर आपको नोट लिखने के लिए आया है सेक्युलर स्टैग्नेशन में तो आपको लिखना जरूरी है आपको समझ में आया है व्हाट इज व्हाट इज सेक्युलर स्टैग्नेशन इट्स अ नाइस वर्ड आपको like समझ में आ रहा है राइट सी दास्ट पॉइंट लिखने पड़ेंगे वो तो. हाँ लिखने पड़ेंगे ये सात आठ भी मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी लिखने पड़ेंगे <laughs> <laughs> क्या करेंगे राइट इट्स वेरी हार्ड लाइफ वो क्वेश्चन आ, आ जाएगा जब आपको केन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन एक्सप्लेन करो या फिर राइट द इम्प्लीकेशन ऑफ केन्स लॉ या फिर एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन तो आपको ये पूरे के पूरे मतलब ये जो छः सात आठ ये सब के सब पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे दे आर कंपल्सरी ओके लेट्स सी यूनिक नेचर ऑफ इनकम प्रपोगेशन तो ये क्या है The the fact that the entire increased income is not spent on consumption explain multiplier theory. तो पूरा का पूरा इनकम जो है वो कंजम्पन पे खर्च नहीं हुआ ये एक नई थियरी को जन्म देता है जो आपको देखनी है इन द फ्यूचर इवन इन दिस सेमेस्टर ओके दैट इज मल्टीप्लायर थियरी कौन सी थियोरी में बोली मैंने बोला अभी बताओ मल्टी यस yes, बताओ मल्टीप्लायर थेरी करेक्ट मल्टीप्लायर थेरी द फैक्ट दैट जब ही इनकम बढ़ता है उसके हिसाब से कंजम्पशन बढ़ता है लेकिन पूरा का पूरा इनकम कंजम्पशन पे खर्च नहीं होता ये मल्टीप्लायर थियरी को एक्सप्लेन करता है द मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर थियरी और द प्रोसेस ऑफ इनकम प्रोपोगेशन

टर्निंग पॉइंट साइकिल आपको याद है हमने वो बिजनेस साइकिल देखे थे जो है ये बिजनेस साइकिल के कौन से कौन से पॉइंट है ये भी ये थियरी या फिर कंजम्पशन फंक्शन uh, हमें दिखाता है ओके बिफोर द इकोनॉमी रिचेज टू द एम्प्लॉयमेंट लेवल द डाउन टर्न स्टार्ट बिकॉज पीपल फेल टू स्पेंड द फुल इंक्रीमेंट ऑफ देयर इनकम ऑन कंजम्पन लोग क्या करते हैं वो पूरा का पूरा चेंज इन इनकम है वो कंजम्पन वो कंज्यूम नहीं करते वो स्पेंड नहीं करते कंजम्पन पे और इसकी वजह से आप फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुँच ही नहीं पाते हम्म ये जो गैप है कंजम्पन और कंजम्पन और इनकम के बीच वो कॉजल फैक्टर है वो एक फैक्टर है जो फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुँचने के लिए हमें मतलब वहां तक लेके ही जाता नहीं है ओके दिस लीड्स टू फॉल इन डिमांड ओवर प्रोडक्शन अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिक्लाइन इन एम तो ये सब जो चीजें हैं वो uh, क्यों होती है क्योंकि देर इज अ गैप बिटवीन इनकम एंड कंजम्शन एक ही चीज है जो हमने बार बार दोहराई है कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में डिफरेंस है और ये डिफरेंस की वजह से क्या क्या हो रहा है देर इज अ फॉल इन डिमांड डिमांड कम हो रही है ओवर प्रोडक्शन मतलब मार्केट में ज्यादा कमोडिटीज आ रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की जॉब चली जा रही है या उनको जॉब ही नहीं मिल रही है डिक्लाइन इन एम ई सी कैपिटल मतलब जैसे ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक बिजनेस में प्रॉफिट हो हमने जो इन्वेस्ट किया है उस वो जो कैपिटल है हमारा उसके ऊपर अच्छे रिटर्न मिले तो ये भी डिक्लाइन हो जाता है हमारा एक्सपेक्टेशन कि वो ज्यादा अच्छे रिटर्न मिलेंगे इसका मतलब इट वुड लीड टू रिसेशन अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो तो मुझे लगता है कि ये आपकी Uh, पूरी की पूरी थियरी थी साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन उसके पहले हमने कंजम्पशन फंक्शन देखा और उसके पहले हमने थियोरी जनरल थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट देखा ये तीन चीज़ें थी जो केन्स ने हमें सिखाई बताई एक्सप्लेन की जो आपको पेपर में आ सकती है और इसके बाद हम उसका ही इन्वेस्टमेंट फंक्शन देखने जा रहे हैं तो मुझे लगता है अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाए अभी तक प्लीज 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 नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए जो भी पीपीटी पीडीएफ भेजे उसमें आंसर्स दिए गए हैं आपको वो सब लिखने हैं और उनसे अच्छे नोट्स बनाने हैं सो दैट जब एग्जाम आ जाए तो आपको बुक्स में यहाँ वहाँ आंसर सर्च करने की जरूरी नहीं होगी आप डायरेक्टली आपका आपका नोटबुक खोल सकते हो और पूरा का पूरा वो पढ़कर सिर्फ एग्जाम में जाकर बैठ सकते हो एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आंसर इट प्रॉपरली बिलीव मी आपको ये बहुत ही काम आने वाला है ओके okay? सो um, so, आज के लिए ये लेसन यहीं पे ही ख़त्म कर देते हैं